तस्वीरें हैं उस आधुनिकता की जो पल भर में तबाह हो चुकी है। पहाड़ों का सीना चीर कर तैयार की गई आधुनिकता की ये तस्वीर आज टूट कर बिखर चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं नालागढ़ के बद्दी बरोटी वाला की, जहां कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बालद नदी पर धसे पुल ने दम तोड़ दिया। नदी में आए तेज बहाव के कारण बद्दी पुल टूट कर बिखर गया। पुल टूटने के बाद हरियाणा की ओर से पैदल आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है। उधर मड़ावला में वैकल्पिक पुल बह चुका है। नेशनल हाईवे 105 पिंजौर बद्दी तक टूट चुका है। इस बरसात में कुल 3 पुल टूटे हैं, मड़ावाला, चरनिया और अब बद्दी पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। मड़ावाला पुल टूटने के कारण पुलिस ने ट्रैफिक को बाया कालका से कलूझीडा से बरोटीवाला की ओर डायवर्ट कर दिया है। हालातों को देखते हुए जहन में कई सवाल हैं। सवाल ये भी कि इस आधुनिकता की रेस में किसका भला हुआ है और किससे गलती हुई। आधुनिकता चारों तरफ दरक रही है, बड़े बड़े पहाड़ खिसक कर मलबे में तब्दील हो रहे हैं, हाईवे टूट कर चकनाचूर हो रहे हैं, प्रकृति कहर बनकर बरस रही है। मानो मनुष्य के लिए इस दर्द से परेशान होकर प्रकृति कह रही हो कि हे मानव, बस कर, अब और मेरा सीना छलनी ना कर। ये रौद्र रूप देखकर हर किसी को अब समझना होगा कि आधुनिकता की इस दौड़ में हिमाचल की खूबसूरती तबाह करती है। गुनहगार कौन? मानव, जो कि प्रकृति का दानव बन गया है। अभी भी हालात सामान्य नहीं है, प्रकृति मनुष्य के बोझ को झेल नहीं पा रही है। लापरवाही कहीं ना कहीं सरकारों की भी रही है। लाजिम है इस तबाही से हर कोई सबक लेगा और सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी। नालागढ़ से जगत बैस, सूर्या समाचार।